CSIR-NET क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR-NET प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। स्ट्रक्चर में कई तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सुपर सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, सुपर सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी। प्रोटीन की बात करते हैं, प्राइमरी जो होता है सिंपल सीक्वेंस होता है, सेकेंडरी में हेलिक्स, सीट, टर्न, लूप, ये सारी चीजें आती है। हेलिक्स अल्फा बीटा गामा होता है, सीट जो होता है अल्फा बीटा हो सकता है, टर्न अल्फा बीटा गामा ये भी हो सकते हैं। सीट जो होता है बीटा सीट पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है। अल्फा हेलिक्स स्क्रू सेंस के बेसिस पे राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड होता है, या आपके एटम्स के बेसिस पे 3.613, 310, 518 इस तरीके से होता है। सो ये अलग अलग तरीके के हेलिक्स होते हैं, ठीक है। जो 3.6 होता है अल्फा हेलिक्स होता है, ठीक है। 310 हेलिक्स की जब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, तो बीटा हेलिक्स ही 310 हेलिक्स होता है, ठीक है। और 518 जिसको बोला जाता है पाई हेलिक्स, इसको क्या बोला जाता है, पाई हेलिक्स बोला जाता है। दैट इज व्हाट द पाई हेलिक्स। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सेकेंडरी में पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सुपर सेकेंडरी में पेप्टाइड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, टर्शियरी में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल इंटरेक्शन, एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं डाइसल्फाइड इंटरेक्शन, जिसको कि कोवेलेंट बॉन्डिंग। अभी तक पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो ये होता है। क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में सेम एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होमोजीनस सेम एंड हेट्रोजीनस जो होता है वो डिफरेंट होता है। होमोजीनस का मतलब अगर दो यूनिट सेम यूनिट जुड़ रहे हैं अल्फा अल्फा, ठीक है, इसको बोलेंगे दैट इज व्हाट द होमोजीनस। जैसे कि हीमोग्लोबिन देखिए, उसमें दो अल्फा होते हैं और दो बीटा होते हैं, ये क्या होता है, हीमोग्लोबिन की यूनिट होती है। जैसे कि हेट्रोजीनस क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेट्रोजीनस क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसकी हीमोग्लोबिन। टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल जैसे कि मायोग्लोबिन, सिंगल यूनिट होता है मायोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। नाउ कुछ स्ट्रक्चर, जैसा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको पेप्टाइड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक अमीनो एसिड का जो वेट होता है वो 120 डाल्टन होता है, लेकिन रेजिड्यू में 110 डाल्टन होता है। यहां पे मैंने लीनियर के लिए बताया था, लीनियर के लिए आपको क्या करना, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है N-1 होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं, नाउ अगर मैं बात करूं सर्कुलर के लिए बात करूंगा, फॉर द सर्कुलर इट इज 1। सर्कुलर के लिए बात करेंगे तो ये N होता है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि लीनियर, ठीक है, लीनियर प्लस लीनियर माइनस 18 कर दोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लीनियर माइनस 18 तो आपका सॉल्व हो जाएगा। दिस इज व्हाट द आंसर इज, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स को सपोर्ट करने वाले जो अमीनो एसिड होते हैं इनको याद रख सकते हैं, वो अमीनो एसिड क्या है, दैट इज द मालिक, ठीक है। हेलिकल जो टर्न्स होते हैं ना, ये हेलिक्स वाला काम जो होता है, इस तरीके का काम मालिक का काम करेंगे, MALEK, मालिक याद रखे रहिएगा, मालिक याद रखे रहेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। M का मतलब मेथियोनिन, A का मतलब एलेलिन, L का मतलब है ल्यूसीन, E का मतलब है, दैट इज E जो हो जाएगा वहां पे ग्लूटामेट है, और K है लाइसीन, तो ये आपके मालिक याद रहेंगे। उसके बाद बीटा स्ट्रैंड में जो याद रहेगा, बीटा स्ट्रैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं वाइफ, घर की मालिक कौन होती है, मालकिन कौन होती है घर की, वाइफ होती है, एज अ कोड के तौर पे याद कर सकते हो, वाइफ होता है, दैट इज WYF, टायरोसिन ट्रिप्टोफैन फिनाइलिन एरोमेटिक होता है। और रिवर्स स्ट्रैंड में जो पाया जाता है कि अगर आपने मालिक की बात नहीं मानी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पीजी में जाना पड़ेगा, प्रोलीन और ग्लाइसिन में। दिस इज द कोड, मालिक की बात मानिए, वाइफ से डरिए, अपने मालिक जो है वाइफ से डरिए, नहीं तो आपको पीजी में जाके रहना पड़ेगा। दिस इज द कोड, अल्फा हेलिक्स, बीटा स्ट्रैंड और रिवर्स स्ट्रैंड, ये प्रमोट करने वाले या सपोर्ट जो करते हैं वो अमीनो एसिड के नाम है। हेलिक्स जो होता है इसमें जो बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली कैसे होते हैं, वो पैरेलल टू द एक्सिस होते हैं, पैरेलल टू द एक्सिस होते हैं हेलिक्स में जो होते हैं, पैरेलल टू द एक्सिस पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड जो चल रहा होता है CONH के फॉर्म में चल रहा होता है, CON होता है और NHN+4 होता है, ठीक है, जो CO होता है और जहां से वो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बनाता है, ये N होता है, तो ये N+4 नंबर का होता है क्योंकि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है।
दिस इज व्हाट द एन और एन प्लस फोर अल्फा होता है. अगर एन और एन प्लस थ्री हो जाए तो बीटा होता है. एन और एन प्लस टू हो जाए तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा होता है. और अगर एन से एन प्लस फाइव हो जाए तो इसको बोलते हैं पाई. ठीक है, तो ये इस तरीके के हेलिक्स या टर्न्स या आपके कुछ फॉर्म्स चलते रहते हैं. इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसी के चेन पे बनता है. जैसे देखिएगा कि ये वन है, वन के बाद एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, नाउ एन प्लस थ्री, दिस इज एन प्लस फोर. तो ये एन प्लस फोर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. अगर इसको आप कंसिडर करते हो, ये देखिए एन है तो इसके हिसाब से एन प्लस वन ये होगा, फिर एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, एन प्लस फोर, फिर इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है. तो दैट इज लाइक इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड चलते रहते हैं. बीटा सीट की बात करते हैं. बीटा सीट पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं. पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकते हैं. पैरेलल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इंक्लाइंड बनता है, लेकिन एंटी पैरेलल में जस्ट एकदम परपेंडिकुलर बनता है. इसी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है. और जब ज्यादा होगा, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है पैरेलल के अकॉर्डिंग आपके एंटी पैरेलल की. इसका एग्जांपल है जैसे कि सिल्क. इसमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है. टर्न एंड लूप्स के बारे में बात करते हैं. तो जो मोस्ट फेवरेबल अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन आर द मोस्ट फेवरेबल अमीनो एसिड्स. मोस्ट फेवरेबल जो कि सपोर्ट करते हैं यहाँ पे ग्लाइसिन और प्रोलीन के लिए. और एक छोटी सी बात करें, लूप्स और टर्न का यही होता है, टर्न छोटा भाई है, लूप बड़ा भाई है. ठीक है, और कुछ होता नहीं है. 10 अमीनो एसिड का जो बना है वो क्या होता है कि लूप होता है, और 4 से 5 अमीनो एसिड का टर्न बनता है. मोस्टली जो होता है वो आपका ग्लाइसिन और प्रोलीन होते हैं. ये तीन कॉन्फ़िगरेशंस अल्फा बीटा इसमें जुड़ सकता है. एन जो सीओ है और ये है एनएच. एनएच और सीओ ये हमेशा फिक्स होता है. एन हमेशा सीओ होगा और एनएच जो होता है वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए एन प्लस फोर, एन प्लस थ्री, एन प्लस टू जो भी हो सकता है. जो टर्न सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो कॉमन होता है बीटा. बीटा टर्न इज मोर कॉमन. जैसे देखिएगा, या एक बार फिर से बता रहा हूं, अल्फा हेलिक्स इज मोर कॉमन. कुछ ना दिया हो तो अल्फा हेलिक्स कौन सा, राइट हैंडेड, कौन सा करना है, राइट हैंडेड समझना है. अगर किसी क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो, बीटा में कुछ ना दिया हो, बीटा सीट में, तो कौन सा समझना है, एंटी पैरेलल. अगर टर्न दिया हो और कुछ ना दिया हो तो कौन सा समझना है, बीटा टर्न. ये डिफॉल्ट केस आपको यही समझना है. मोस्ट कॉमन यही होते हैं. ठीक है, जो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं वो यही फॉर्म होते हैं. सो बीटा टर्न दैट इज एन से एन प्लस थ्री वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन टर्न. नाउ उसके बाद आते हैं कुछ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो कि मेनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है, बीटा अल्फा बीटा यूनिट हो सकते हैं, फोर अल्फा हेलिक्स हो सकता है, बीटा मेंडर हो सकता है. बीटा मेंडर में देखिए, वन किससे जुड़ा है, दो से. दूसरा किससे जुड़ा है, थर्ड से. थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ. पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से जुड़ा है. ग्रीक की और बीटा मेंडर में थोड़ा सा ये होता है कि जो एंटी पैरेलल बीटा सीट्स होते हैं, 5 एंटी पैरेलल बीटा सीट्स होते हैं, 5 एंटी पैरेलल बीटा सीट्स, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट अलग होता है. कैसा अरेंजमेंट होता है, फर्स्ट किसके साथ जुड़ा है, फर्स्ट देखेंगे. ठीक है, अगर मैं इसको लेके चलता हूं, दैट इज व्हाट, ये देखिएगा, पहला जो है हियर द फर्स्ट. ठीक है, ये फर्स्ट जुड़ा है किसके साथ, दैट इज द फोर्थ वन. थर्ड जुड़ा है किसके साथ, सेकंड जुड़ा है किसके साथ, सेकंड जुड़ा है फिफ्थ के साथ, और थर्ड जो जुड़ा है वो सेकंड के साथ जुड़ा है. सो दैट इज व्हाट, ये देखिएगा कि ये इस तरीके से होता है कि पहला फोर्थ के साथ जुड़ा है, फर्स्ट जो है फोर्थ, याद रखे रहिए, फिर टू थर्ड जुड़ेगा और टू फाइव थ्री फोर्थ जुड़ेगा. इस तरीके से आपका बीटा मेंडर बनता है. ठीक है, तो बीटा मेंडर में ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से चलता है, पहला फोर्थ, दूसरा पांचवा, इसके साथ दूसरा तीसरा और तीसरा चौथा जुड़ता है. ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है जो कि आपके इस पार्ट में आता है. नाउ उसके बाद कॉइल्ड हेलिसेस, बीटा बैरल, जिंक फिंगर एंड ल्यूसीन जीपर की बात करते हैं. ये सारे आपके सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं. बॉन्ड की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कोवेलेंट, पेप्टाइड, ये सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं. आयनिक बॉन्ड होता है जैसा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है. वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन हाइड्रोफोबिक वंडर वॉल होता है. टर्शियरी स्ट्रक्चर में जैसा कि एग्जांपल के और पे आप क्या ले सकते हो, मायोग्लोबिन को ले सकते हैं. मायोग्लोबिन जो होता है एग्जैक्टली लाइक माइकलिस मेंसन प्रोटीन की तरह, इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, हाइपरबोलिक होता है. इसका जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक होता है. मायोग्लोबिन किस काम के लिए आता है, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए यूज होता है.
ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए होता है, मायोग्लोबिन की बात करते हैं, ठीक है। एंजाइम के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, एंजाइम के बारे में बात करूंगा। अगर एंजाइम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, सो एंजाइम के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करिएगा, दैट इज व्हाट एंजाइम के बारे में अगर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो एंजाइम इज लाइक कि बायो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ बायो कैटलिस्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, एंड डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, इट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम को, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, और इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे कि कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है, पहले विदाउट एंजाइम जो इतना एक्टिवेशन चाहिए था, ठीक है, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि विदाउट एंजाइम जो इतना एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको रिड्यूस करके इतने फॉर्म में ले आता है, तो इतना एक्टिवेशन एनर्जी वो कम कर दिया है, ठीक है। पहले इतना चाहिए था, मान लो 100 किलो कैलोरी, अब इसको चाहिए 30, तो टोटल कितना कम कर दिया, 70 कर दिया, तो ये डिफरेंस जो होता है वो कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी। वो कैसे कम करता है, वो कम इस तरीके से करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन जो सबस्ट्रेट से करता है, ठीक है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से बाइंड कर रहे होते हैं तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी इस पर्टिकुलर रिडक्शन के लिए यूज करता है, रिडक्शन के लिए यूज करता है, रिडक्शन ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी के लिए यूज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी के लिए यूज करता है, ठीक है। सो यहाँ पे यूज करता है, एंड क्लासिफिकेशंस, इसके 5 क्लासिफिकेशंस है, जो कि जिसको बोला जाता है 6 क्लासिफिकेशंस, नॉट 5, दैट इज ओटलिल, ठीक है, एज अ कोड के तौर पे याद कर सकते हैं, ओटलिल की तरह याद कर सकते हैं, OTHLIL, ओ का मतलब है ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एंजाइम क्लासिफिकेशन, जैसे कोई एंजाइम्स होता है, जैसे कि लिखा जाता है EC1.1.11, इस तरीके से लिखा जाता है कि वो कौन सा एंजाइम है, कौन पर्टिकुलर पार्ट रोल प्ले कर रहा है, किस क्लासिफिकेशन में आता है। सो वन का मतलब है सबसे पहला जो नंबर होता है, इसका मतलब होता है यही 6वां क्लासिफिकेशन, दैट इज व्हाट, ये वन जो है फर्स्ट वन, ये यही शो करता है कि इनमें से ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ट्रांसफरेज है, हाइड्रोलेज है, लाइगेज है, आइसोमेरेज है, लाइगेज है, क्या पार्ट प्ले कर रहा है। ज्यादातर जितने भी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स होते हैं वो ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या होता है ऑक्सीडोरिडक्टेज में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडोरिडक्टेज इज द एंजाइम जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेज इज द सेकेंड ग्रुप ऑफ एंजाइम जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप, जैसे फॉस्फेट बॉन्ड, जैसे कुछ ट्रांसफर ऑफ द ग्रुप्स। H का मतलब है हाइड्रोलिज, इसमें क्या होता है, रिमूवल और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द H2O, हाइड्रोलिज, या तो इन्वॉल्वमेंट होगा या तो रिमूवल होगा, हाइड्रोलिज। लाइगेज का मतलब होता है ब्रेक और ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स का मतलब ट्रांसफरेज, ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स का मतलब लाइगेज, नो एटीपी इन्वॉल्वमेंट, मेंशन हियर एंड नोट इट हियर कि किसी भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जब लाइगेज यूज होता है, लेकिन लाइगेज जो होता है जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है या ज्वाइनिंग करता है तो वहां पे एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है। लाइगेज और लाइगेज में यही फर्क होता है, लाइगेज में कोई भी एटीपी की जरूरत नहीं होती, लाइगेज में किसी एटीपी की जरूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन लाइगेज में जो होता है एटीपी की जरूरत होती है। आइसोमेरेज इज यूज फॉर द बॉन्ड रीअरेंजमेंट, आइसोमेरेज जो होता है बॉन्ड रीअरेंजमेंट के लिए यूज किया जाता है। नाउ तो एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी जो होता है किसी भी एंजाइम की वो होता है माइक्रोमोल पर सबस्ट्रेट पर मिनट या मोल्स पर सेकेंड, माइक्रोमोल पर सेकेंड पर मिनट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल, पर सेकेंड को बोलते हैं मिनट को 60 सेकंड में करेंगे, इस तरीके के पार्ट आप करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि कैटल और पर्टिकुलर पार्ट में कितना डिफरेंस होगा एक कैटल में, ठीक है। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना।
बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।